हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एमडी टेक्नीशियन चैनल पर। आज हम बात करेंगे डाइकिन वीआरवी फोरवे कैसेट का ग्रिल कैसे लगाता है। तो ये आपका एफएक्स एफक्यू 100 का मशीन है, तो इसका हम ग्रिल लगाएंगे। तो इसका काट आउट पहले देख लीजिए, ये काट आउट है आपका 900 बाई 900। अगर आपको काट आउट मांगता है तो ये 900 बाई 900 का काट आउट कराना है। तो ये 900 बाई 900 का काट आउट है, हम ग्रिल को देख लेते हैं। तो ये हमारा ग्रिल है, तो इसको हमें लगाना है। तो इसका हम आप चारों कोना खोल लेते हैं। पहले इसका कोना खोलना है चारों तरफ से, और इसका कोना खोलने के बाद ये पाइपिंग साइज है, ये आपका फिलर नट जिधर है उस साइड में रखना है। दूसरा आपका ड्रेन साइज है, ड्रेन साइज की तरफ रहेगा। तो ये आपका लिखा हुआ है, सेम इसी तरफ ले जाना है जिधर फिलर और ड्रेन है। अब इसका हम ये लॉक खोल के, ये स्विमिंग मोटर का है तो इसको स्विमिंग मोटर की जैक है इसमें फंसा देना है। तो ये इसका अंदर वाला लॉक हम खोल के रख देते हैं अभी, इसको भी अलग रखते तो ये हमारे टांगने में आसानी हो, इसलिए हम साइड पे रख देता हूँ इसको। अभी ये हमारा हो गया डेक्टिवेल, ये लॉक देख रहे हैं आपको, ये लॉक में फंसाना है चारों कोने में ग्रिल को। और आपको मशीन को हाइट इतना रखना है, ये बोर्ड की बराबर में रखना है। ये आपको बोर्ड दिख रहा है ऊपर वाला, जस्ट उसकी बराबर में ये मशीन का टॉप बटन रखना है। उससे ज़्यादा ऊँचा रखेंगे तो वो फिर लॉक फंस नहीं पाएगा, और ज़्यादा नीचे रखेंगे तो लॉक ज़्यादा बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा, सीलिंग से गैप दिखेगा आपको। तो ये हम अब कोने को फंसा देंगे इसको। हाँ, तो ये मेरा दूसरा कोना फंस गया, अब उधर वाला कोना भी हम सेम इसी तरह से फंसा लेंगे। और ये सारे मशीन का काट आउट सेम आता है आपका, 50 का 63 का 80 का 100 का। तो ये हमारा परफेक्ट बैठ गया एकदम। मशीन अगर सेंटर में रहेगा तो आपका ग्रिल आसानी से परफेक्ट एकदम बैठ जाएगा। मशीन मार्किंग सही करना है। तो ये हम इसका लॉक आप लगा देंगे, ये स्विमिंग मोटर का जैक है जो हम फंसा रहे हैं अभी। अब इसका ढक्कन हम पहले बंद कर लेते हैं। तो इसका ढक्कन हम बंद करने के बाद ये ढक्कन हमारा, बस ये ढक्कन बंद हो गया वॉशिंग पहले बस। ये सब का आपका काट आउट सेम आएगा, सिर्फ एफ एक्स एफ क्यू 25, 30 और 32 इनका अलग आता है। अभी नया मॉडल में 32 का भी 900 बाई 900 का ही काट आउट देना पड़ रहा है। अगर मिनी कैसेट होगा तो उसका अलग होगा। अभी आपको जो गैप दिख रहा था, ये गैप बंद करने के लिए आपको ये इसको टाइट स्क्रू टाइट करना है। जैसे हमने पेचकस लगाकर अभी दिखा था कि अंदर से ये आपको गैप दिख रहा है ना कोने से, सीलिंग से, तो चारों कोने को ऐसे फंसा देंगे तो ये गैप पूरा एकदम बराबर हो जाएगा। बस गैप आपको देखना है कि वो अपने आप टाइट लेगा, जब वो टाइट हो जाएगा और उसमें देखिए पूरा गैप बंद हो गया, पेचकस नहीं जा रहा। अभी दूसरी तरफ गैप है तो दूसरी तरफ भी ऐसे ही टाइट करना है। तो दूसरी तरफ से भी हम इसको पूरा टाइट कर लेंगे। देखिए हम जैसे ये हाथ लगा के दिख रहा है ना कि गैप बराबर हो गया है नहीं हो गया, तो आपको नीचे से दिखेगा, थोड़ा सा भी गैप दिखेगा तो बहुत गंदा लगता है। ये गैप को हम पूरी बैठ अब कोने के ढक्कन बंद कर लेते हैं। तो ये हम हर कोना को बंद कर लिया एक एक करके ढक्कन। ये ढक्कन हमारा बंद हो गया और पेपर पे एक बैठ गया, देख लीजिए कोना भी बंद हो गया। अब देख लीजिए ये परफेक्ट बैठा हुआ है पूरा। अब इसका ये जो हमने खोल के रखा था बीच वाला ढक्कन जो फिल्टर वाला है, ड्राई सर्विस के लिए ये फिल्टर खोल के ज़्यादातर झड़ना होता है, तो ये हम इसको लॉक को फंसा के इसको बंद कर दिया। इसको दबा के फिर इसको खोलने के टाइम इसी को ऐसे खोलता है फिर इसको। तो ये हमारा ग्रिल पूरा लग गया, देखिए एकदम परफेक्ट बैठ गया। तो वैसे ये बहुत ही सिंपल है, ये हमारा पूरा रेडी हो गया, ग्रिल लगाने का काम पूरा कंप्लीट है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना। कोई भी सवाल हो, आपको कुछ भी पूछना हो, कोई भी दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारा जो भी नया प्रोजेक्ट आएगा उसमें पूरा काम आपको डिटेल में समझाएंगे। तो ये हमारा पूरा एक प्रोजेक्ट है जिसमें आप देख सकते हैं और भी बहुत जगह कैसेट डेक्टिवेल का डिफ्यूजर लगा हुआ है, अभी काम चल रहा है ये।
और यू ट्रैप के ऊपर बैन कैसे मारता है इसके ऊपर भी हमारा वीडियो बना है, उसको भी विजिट करिए। थैंक यू।